संसदीय कार्य मंत्री यानी कि यूनियन पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने ये क्लियर कर दिया है कि जो दिल्ली ऑर्डिनेंस का बिल आज पेश होने वाला था वो आज पार्लियामेंट में पेश नहीं होगा क्योंकि वो आज की बिजनेस लिस्ट में शामिल नहीं है। उन्होंने पत्रकारों को बताया है कि इस मामले पर आज सुनवाई नहीं की जाएगी। मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि हम आपको सूचित कर देंगे जब दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल पेश किया जाएगा। आज के बिजनेस लिस्ट में इसका उल्लेख नहीं है। इसके साथ ही यूनियन लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने भी कंफर्म कर दिया है कि ये बिल आज पार्लियामेंट में पेश नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने विपक्ष की बदलती मांगों की ओर इशारा भी किया और उन पर मुद्दे का राजनीतिकरण करने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि हम पहले दिन से विपक्ष की मांग पूछ रहे हैं। वे मणिपुर पर चर्चा चाहते थे और जब हम इस पर सहमत हो गए तो अब उन्होंने अपनी मांग बदल दी है और चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर बोले। वे इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। वे अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं। जब भी अध्यक्ष निर्णय लेंगे हम उस पर चर्चा करेंगे। ये कहना है यूनियन लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल का। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने अपने सभी राज्यसभा सांसदों को 3 लाइन का व्हिप भी जारी किया था जिसमें उन्हें सेवाओं पर नियंत्रण अध्यादेश को बदलने वाले विधेयक पर पार्टी के रुख के समर्थन में 31 जुलाई से 4 अगस्त तक सदन में उपस्थित रहने के लिए कहा गया था। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अध्यादेश के खिलाफ यानी कि दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल के खिलाफ विपक्ष का समर्थन मांगा है और भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी यानी कि नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के सदस्यों के द्वारा संसद में विधेयक का विरोध करने की उम्मीद है। फिर भी सरकार विधेयक पारित होने को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। देखना ये होगा कि इस मॉनसून सत्र में आखिरकार कब दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल पेश किया जाता है और विपक्ष आखिरकार इस पर क्या कुछ कहते हैं। ये तो आने वाले समय में पता लग ही जाएगा, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।